बनाई हुई निर्देशन पे पहली बार थी भी ये पहली फिल्म थी, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक्साइटमेंट थी कि काम करने की, और मेरी शॉट इन शिमला इसीलिए मूवी का नाम भी वो है, तो बहुत मज़ा आया काम करने में। जाने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए थे ऑनलाइन, तब कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते थे, मिले थे एक दूसरे से सब लोग, पूरी कास्ट, योगेश जी, तो ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिले, यू नो रैपो था सब पे और सब एक्साइटेड थे कि आई थिंक अनिल और ऋतुराज के अलावा जो न्यू सब नए बच्चे हैं वो बहुत सारे पहली बार मूवी में काम कर रहे थे, सब वो भी एक्साइटमेंट थी। तो एक दिन मुझे एक कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया कि कोई फिल्म करना चाहता है, तो ऐसा फ़ोन तो आते रहते बार बार, तो मैं बिजी थी उस टाइम, तो मैंने बोला कल करती बात परसों कर ली, हुआ नहीं। फिर फाइनली उसका उनका वापस फ़ोन आया कि एक बार बात कर लीजिए, ही इज़ रियली की। तो जब मैंने योगेश जी से पहली बार बात की, उन्होंने स्टोरी मुझे थोड़ी नरेट की और तो मुझे इतनी अच्छी लगी, और मेरे कैरेक्टर के बारे में जब उन्होंने बताया तो मुझे इतना पसंद आया कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पहली बार में फ़ोन कॉल पे मैंने हाँ कर लिया था मूवी को, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। So what's the difference while difference is this was my first film, so yeah. Everybody was mostly new, young. Difference wise there is not much difference. Television pe kya hota hai, it's like a factory, ek ke baad ek you don't even know, like 10 page ke dialogues aapko bolne padte hain, beech mein bilkul time nahi milta agar aap main characters mein se ek ho, ye wo aise hota hai ki raat ko ghar sone jao, subah utke wapas शूट पे, क्योंकि टेलीविजन पे डेली शो ऐसे ही होता है, आपने खुद के लिए टाइम नहीं कुछ नहीं, उसका भी एक अलग मज़ा है, लेकिन टेलीविजन इज़ लाइक दिस। फिल्म में वैसे नहीं है, आराम से काम होता है, आपको टाइम दिया जाता है स्क्रिप्ट पे काम करने का, वी डिड अ वर्कशॉप जो टेलीविजन में नहीं होता है, OTT में चलो अलग बात है, तो प्रोफेशनलिज्म फिल्म में ज़्यादा होती है, तो ये सब एक्सपीरियंस किया। बट योगेश जी और उनकी फैमिली दे वर आल्सो देयर, तो इट वाज वेरी पर्सनल, मतलब प्रोफेशनली से ज़्यादा हम लोगों का पर्सनल रिलेशनशिप बन गया है, दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट शूटिंग विथ हिम। और इसके अलावा तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, एंड आई रियली होप दैट फिल्म डज वेल, अच्छी फिल्म है, सबको पसंद आएगी, आप अपने बच्चों के साथ जाके भी देख सकते हैं, तो वी ऑल वर्क रियली हार्ड फॉर इट। शिमला में काम करने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसी जगह पे आप शूट करते हो शिमला में एक महीना, तो हर कोई चीज़ बहुत अच्छी होगी। तो मैंने अपना चाइल्डहुड जम्मू कश्मीर में बिताया, क्योंकि माई फादर वॉज इन द आर्मी, तो तब से आज तक When I was small, वहाँ की memories थी, snowfall की, ये वो, लेकिन तब से वापस city में आके इतने सालों में snowfall, Switzerland में भी जब भी मैं गई हूँ snowfall नहीं experience किया, ऐसे गलत time पे जाके, या तो ये time पे जो snowfall actually खत्म हो गई थी शिमला में, लेकिन हमारे जाने के 2 दिन बाद इतनी अच्छी snowfall हुई है कि आज आई तो एब्सोल्युटली लव इट। मैंने अपने बच्चों को फोन करके बोला, कश्मीर में वापस जाके भी वहाँ स्नोफॉल नहीं थी, लेकिन शिमला में आई थिंक आई वाज जस्ट सपोज टू एक्सपीरियंस दैट इतने सालों के बाद, तो आई थिंक दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। थैंकफुली डिफिकल्टीज तो कुछ आई नहीं ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा अगर आप पहली बार सबसे मिलते हो डायरेक्टली सेट पे डायरेक्टर से एक्टर से, तो थोड़ी एंग्जाइटी रहती है कि पहली बार काम कर रहे हैं, 2 दिन उसी में चले जाते हैं दूसरे को जानने में, रिहर्स करने में, लेकिन हमने 2 महीने पहले से ही बहुत वर्कशॉप्स किए थे ऑनलाइन, हम रोज एक दूसरे से मिलते थे, ऑनलाइन मिलते थे, फिर बाद में ऑफलाइन मिलने लगे, और तो एक फैमिली जैसे ही बन गया था ऑलरेडी एक्टर्स और योगेश जी के साथ, तो बहुत मज़ा भी आता था, और इसीलिए जब एक्चुअली शूटिंग हुई तो बहुत इजी था हम सबके लिए काम करना। अभी तक आपने छोटी स्क्रिप्ट में काम किया है, ओन क्लोज एंड बॉन्ड्स की, छोटे इस पे जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता ज्यादा, और वो चलता रहता है
लेकिन बड़े पर्दे के लिए आपको आराम से टाइम मिलता है, आप अपने कैरेक्टर के बारे में सोच सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस रिहर्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने कैरेक्टर पे काम कर सकते हो। तो टाइम के हिसाब से ऐसा नहीं है कि 50 पेजेस दिया आपको पढ़ने के लिए और करो लाइन रेडी, ऐसा नहीं, आराम से टाइम मिलता है। और अगर आपने इंडियन टेलीविजन किया हो, एक भी सीरियल की हो आपने, और उसके बाद तो आप कहीं पे भी कैसे भी जाके काम कर सकते हो, क्योंकि इंडियन टेलीविजन के बाद तो एवरीथिंग इज अ केक वॉक, बहुत इजी है।